हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम लोग ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के आगे के जो हमारे टॉपिक रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के दो टॉपिक को पूरा करा था। पहला क्या था आपका, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट था, और प्लांट वाटर रिलेशन था, जिसमें हमने डिफ्यूज़न ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न फैसिलिटेड डिफ्यूज़न को कर लिया था। आज जो हम लोग करेंगे ये आपका इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, और कुछ बेसिक नॉलेज होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ वो जाकर के वीडियो देख लीजिए। रीज़न बीइंग कि अगर मान लीजिए हम आज अगर आगे कुछ आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, छोटा ही है, जाकर के आप उसे वॉच कर लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, और वैसे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप बारी बारी सभी वीडियो को जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सम बेसिक नॉलेज को पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट के डायरेक्शन को देखेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो पहला क्या है, सम बेसिक नॉलेज। हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे प्लांट में और एनिमल में, राइट। तो यहाँ पर क्या कंपेयर द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और एनिमल। ये जो आपके सम बेसिक नॉलेज पॉइंट दिए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और इस बार के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलो पहले हम लोग प्लांट में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यार क्या है, इन प्लांट, ठीक है, हम लोग प्लांट में कंपेरिजन कर रहे हैं। पहले क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्ट अकर फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। प्लांट में जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट होता है जो लॉन्गर डिस्टेंस पर ज़्यादातर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रूट से स्टार्ट हुआ जाकर के यहीं तक ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑब्सेंट लाइक हर्ट। हर्ट क्या होता है आपका, एनिमल बॉडी में पाया जाता है, और ये जो भी मैमेलियन होते हैं उसमें हर्ट पाया जाता है। इसमें जो आपका प्लांट में हर्ट नहीं पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल मेकानिज़म इज ऑब्सेंट। इसमें जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी स्पेशल मेकानिज़म के थ्रू नहीं होता है, यहाँ पे जो गैस का आपका ट्रांसपोर्ट होता है। चलो इसके लिए हम लोग ब्लैंक स्लाइड पे चले जाते हैं। देखिए जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस का जो ट्रांसपोर्ट होता है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न में भी कौन सा डिफ्यूज़न होता है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूज़न। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एज इट इज़ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, कलर थोड़ा विजिबल नहीं है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो अब देखना है हमें क्या चीज़, सॉरी आपका अगला पॉइंट क्या था, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस स्पेशल मेकानिज़म इज ऑब्सेंट। अब कह रहा है व्हाट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अब पौधा में क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए व्हाट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका वाटर। वाटर जो होता है आपका किस चीज़ में, किस फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं होता है, कौन सा फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है वाटर का। मिनरल आपके होते हैं, मिनरल क्या, दोनों फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक फॉर्म में कौन कौन सा होता है, NO3- और सेकेंड होता है क्या चीज़ आपका, NO2-। और ऑर्गेनिक फॉर्म में आपका अमोनिया एसिड होता है, अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, जो प्लांट में फूड होते हैं सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, और आपका एक मिनट रुकिएगा, और ये क्या होते हैं, सुक्रोज आपके ऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। और हॉर्मोन्स जो होते हैं आपके, हॉर्मोन्स आपके ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, प्लांट दिया हुआ है छोटा सा, बहुत ही मस्त प्लांट है, हम लोग इसे समझने के उपयोग में लाएंगे।
यहाँ पे देखिए क्या होता है, एनो टू क्या हुआ, अब्जॉर्ब हुआ, एनो टू है, यहाँ पे क्या है, NH3 है, NH3 को क्या चीज़ में कन्वर्ट करें, अमोनिया में हुआ, अमोनिया में यहाँ पे कौन सा आपका प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोसेस आपका हो रहा है सर अमोनिफिकेशन, यहाँ पे क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, राइट। तो ये कौन सा प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, अमीनोफिकेशन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आपका ये क्या चीज़ है, फिर NH3 ऊपर गया, ठीक है। और चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको थोड़ा गौर करिएगा, देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स है आपका। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ID है हमारा सेम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बायोलॉजी वर्ल्ड वर्ल्ड, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़र नेम है बायोलॉजी वर्ल्ड _01। ये आपका इंस्टाग्राम का ID है, यहाँ पे आप इसे यहाँ पे स्मॉल भी कर लेना, ये आपका यूज़र नेम हुआ इंस्टा का, और ये आपका टेलीग्राम का है, टेलीग्राम पे आप इसे सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहाँ पे मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूँगा। और बाकी यहाँ से तो आप स्क्रीनशॉट कर ही सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको एक फ्रेश PDF मिल जाएगा, PDF के फॉर्म में एक फ्रेश नोट्स पूरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट का है पूरा आपको वहाँ पे हम शेयर कर देंगे। या तो आगे चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं, बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है, लाइक नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन होता है सर, नाइट्रोजन क्या होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है, जैसे कि मिनरल का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है, राइट। ये पॉइंट जो आपके हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका है, हाँ नेक्स्ट, सॉरी, हाँ ये वाला है, बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आपके दो क्या दिए हुए हैं आपके वैस्कुलर सिस्टम दिए हुए हैं, वैस्कुलर सिस्टम पहले कौन से हैं, जाइलम है, दूसरा क्या है, फ्लोएम है, ये आपके दोनों क्या हैं, वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू बोले या तो सिस्टम बोले, ठीक है, सिस्टम, राइट। ये आपके वैस्कुलर सिस्टम दिए हुए हैं, वैस्कुलर सिस्टम में यहाँ देखिए ये आपका क्या है, यंग लीफ दिया हुआ है, यंग लीफ है, यहाँ पे फ्रूट्स है, और ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या चीज़ का, फ्लोएम के थ्रू दोनों दिशा में हो रहा है, इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि ये क्या हो गया, मल्टी डायरेक्शनल हो गया। जाइलम में क्या हो रहा है सर आपका, जाइलम में सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल। और ये आपका मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल में किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, पहला फूड का होता है, फूड मल्टी डायरेक्शनल में होगा, अगर रूट में बना तो रूट से यहाँ भी जाना ज़रूरी होगा, अगर ये पत्ता झड़ गया तो क्या होगा, यहाँ से तो स्टोरेज ऑर्गन तक जाना होगा ना इसे, तो ये क्या होंगे, फूड का ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, मिनरल का भी मल्टी डायरेक्शनल होता है, और आपका हॉर्मोन्स का भी होता है, ठीक है। लेकिन वाटर का क्या होता है हमेशा, वाटर आपके, सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी अगर आपको थोड़ा सा वेट लगा हो तो, चलिए बीच में कहाँ से तो यार मैसेज आ जाता है, हाँ चलो क्या चीज़ था, हम लोग क्या बात कर रहे थे सर, जाइलम की, तो जाइलम में वाटर जो होता है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये एक ही दिशा में होता है, तो जाइलम क्या हो जाता है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम क्या हो जाता है आपका मल्टी डायरेक्शनल होता है। देखिए अब जाइलम की बात कर रहे हैं हम, पहले फर्स्ट हमारा है जाइलम में क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट अकर्स इन सिंगल डायरेक्शनल, ये क्या होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, रूट से लीफ तक, सो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर H2O थ्रू जाइलम
इन यूनी डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू टिप। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है क्या होता है, यूनी डायरेक्शन में होता है, कहाँ से कहाँ, रूट से टिप तक होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, सीजनल चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपसे पीछे क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि एक पौधा दिया हुआ है, यहाँ पे आपका यंग लीफ है, यंग लीफ है, यहाँ पे क्या है, ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, ओल्ड है या क्या है, यंग है, यंग है, ये ओल्ड लीफ। मान लीजिए कि ऑटम सीजन में क्या हो गया, झड़ गया। अब झाड़ा तो यहाँ जो भी आपका फूड स्टोर था, अब इसको क्या करिएगा आप, यहाँ से यंग लीफ तक इसको स्टोर करिएगा या फिर जो भी स्टोरेज ऑर्गन होगा वहाँ तक ले जाइएगा इसे। तो फूड का क्या हुआ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हुआ, रूट से क्या हुआ, टिप तक का फूड गया, तो क्या हो गया, ये मल्टी डायरेक्शनल हो गया आपके। हमने इसे पीछे बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है, समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में कुछ नहीं होता है आपका, ऑटम सीजन में क्या हो जाता है, लीफ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, विंटर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं आपके, नए लीफ उगना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी आपके स्टोरेज ऑर्गन में फूड स्टोर होता है फिर नए लीफ तक पहुंच जाता है और अच्छे तरीक़े से क्या होता है, नए लीव्स का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आगे एक डायग्राम है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। नो लीफ इन एटम सीजन, एटम सीजन में जब कोई भी लीफ नहीं होता है तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम के थ्रू यहाँ से फूड स्टोर्ड रहता है, किस फॉर्म में होता है, ठीक है, इस फॉर्म में आपका फूड स्टोर्ड रहता है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, तो चलो यार हम लोग देखते हैं स्प्रिंग सीजन को, ठीक। देखिए स्प्रिंग सीजन, ये बात हो रही है बसंत ऋतु की, जो फिलहाल अभी आने वाला है हमारे यहाँ, बसंत ऋतु, बसंत, ठीक है। बसंत ऋतु में क्या होता है, देखिए क्या है, फूड इज री एक्सपोर्टेड, फूड को क्या किया जाता है, री एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू रूट, स्टोरेज ऑर्गन से रूट तक क्या किया जाता है, फूड को री एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जो आपके ओल्ड लीफ, सेंसेंट लीफ थे उसके साथ में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, डायग्राम बहुत मस्त है, इसको चलिए समझते हैं। देखिए ये आपका ओल्ड लीफ है, सेंसेंट लीफ, अब यहाँ से फूड क्या करेगा, नए लीफ तक जाएगा, मिनरल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब होते हैं आपके, एटम सीजन में होते हैं, एटम में जब पत्ते झड़ने लगते हैं और फिर क्या, सॉरी आपका विंटर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में जब नए लीफ आते हैं, आपके नए लीफ जब आएंगे तो यहाँ से आपका सेंसेट लीफ से यहाँ तक जा कर के फूड क्या हो जाएगा, इसमें यंग लीफ में चला जाएगा और इसका क्या होगा, फाइनली डेवलपमेंट होगा। आगे हम लोग अगला टॉपिक लेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, जो कि थोड़ा लंबा रहेगा और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट करें, जो हमारा सीरीज़ है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का शॉर्ट नोट्स कंप्लीशन का, इसमें देखिए। और इसका हम एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ इसका क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप उसे श्योर वाच करिए, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चैप्टर हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं वहाँ देख लूँगा कि आपकी कि कौन सी चैप्टर की डिमांड ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा समय निकाल करके वीडियो बना दूँगा और आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू, कैसे लिखा जाता है लिख लेते हैं एक बार, आप लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लव एंड सपोर्ट, ठीक है। तो आप लोग बस इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं, थैंक यू, बाय बाय। और हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ नहीं है, 15 मिनट का है, सब कुछ देखेंगे पूरा टिल द एंड तक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक बेस्ट क्वालिटी का नोट्स अवेलेबल हो पाए और बेस्ट क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो पाए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रात को कम सोइए, ठीक है, बाय।